वड़ा पाव 20 रुपए, हमारे वड़े ऐसे गोल है तो ओके okay, आप ये मुंबई में मिलता है, मुंबई में मिलता है जीरा मोरी, क्या होता है वो ब्लैक कलर का होता है क्या? जैसे सावित्रीबाई फुले जी है, उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल निकाला। लड़कियों को पढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी अभी पहुंच पर है लड़कियां, तो लड़कियां बिजनेस भी कर सकते हैं। इस आज हमें पुणे में और हम आए ट्राई करने के लिए बहनीची और बड़ा पाव। ये सारे लीजेंड है जिनका फोटो ने उन्होंने लगाया है, बहनीची और बड़ा पाव। चलिए उनसे बात करते हैं और मेकिंग देखते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज वड़ा पाव। वड़ा पाव स्टार्ट करें मेकिंग? चलेगा। ये आप घर से बना के लाती हैं? हाँ, मैं सिर्फ आलू उबाल कर लाती हूँ। हाँ। और जो ठेचा रहता है, हाँ। वड़ा पाव में जो मसाला डालता है वो मसाला मैं घर से बना कर, घर से आप बना के लाती हूँ। हाँ। इधर आकर नमक ऐड करके मैं उसको मिक्स कर दूंगी। ये नमक ऐड कर दिया आपने, ये आप घर से प्रिपेयर करके लेके आती है? यहाँ आकर सिर्फ मिक्स कर। और ये मसाले में क्या क्या रहता है? मसाले में मिर्ची, आलो, लहसुन और कड़ी पत्ता। हाँ। हल्दी, जीरा मोहरी। जीरा मोहरी क्या होता है? वो ब्लैक कलर का होता है क्या? मोहरी मतलब सरसों का ब्लैक कलर का सरसों। वो काला जीरा बोलते है उसको मोहरी बोलते है क्या आप लोग? नहीं, ये वो नहीं है। जो सरसों रहता है उसको ही मोहरी बोलते हैं मराठी में। अच्छा, उसको ही मोहरी बोलते हैं मराठी। जीरे को जीरा ही बोलते हैं मराठी में, भी जीरा ही बोलते हैं। तो आपने कैसे स्टार्ट किया ये, मतलब बहनीचा वड़ा पाव क्या है मुझे थोड़ा बताएंगे आप? व्यूअर्स को भी, व्यूअर्स देखिए, मेरे व्यूअर्स जो है ना महाराष्ट्र के बाहर के भी है। अच्छा, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि क्या है ये बहनीचा वड़ा पाव, मतलब क्या है इसका? मराठी में वहिनीज बोलते हैं अपने भाई के बीवी को। okay, जो भाभी बोलते हैं। हाँ। तो उसको मराठी में वहिनी बोलते हैं। okay, और अपने खाने के जो चोचले रहते हैं ना, हाँ, वो अपनी बड़ी वहिनी या बड़ी भाभी अपना पूरा करती है, इसलिए ये नाम देने का सोचा मैंने, वहिनीज वड़ा पाव। ओके, और आपने वहाँ पे फोटो लगाया है, सारे जितने भी लीजेंड है उनके सारा लगाया है? जी हाँ। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? ये तो मेरे हस्बैंड के माइंड से आया है। आपके हस्बैंड है? ये मेरे हस्बैंड है। और ये जो मतलब जो बड़े बड़े महिलाएं होकर गए महाराष्ट्र में, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ योगदान दिया है। हाँ, जैसे सावित्रीबाई फुले जी है, उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल निकाला। लड़कियों को पढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी अभी पहुंच पर है लड़कियां, तो लड़कियां बिजनेस भी कर सकते है। इस हिसाब से मैंने ये सारे फोटोज लगाए हैं जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है और लोगों के लिए कुछ किया है। जी, वुमन एम्पावरमेंट दिखा। बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है। सो आप ही पुणे से हो? हाँ जी हाँ। okay. मैं पुणे से ही हूँ प्रॉपर। और क्या पढ़ाई हुआ है आपको? मेरा बीकॉम हुआ है, ग्रेजुएशन। बीकॉम हुआ है। और आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का होटल मैनेजमेंट हुआ है और MSW भी हुआ है। ओके जी। तो आप बोथ आर ग्रेजुएट हो आप लोग, और ये स्टार्ट किया है, अच्छा है, स्टार्ट करना चाहिए अपना बिजनेस, अपना काम। तो ये अभी इसको आपने पूरा मिला लिया? हाँ, ये अभी बन के रेडी है, इसके अभी वड़े बना कर रखेंगे। ओके, और उबले बना के रखेंगे जी, उसके बाद वड़े बनेंगे जी। हाँ। ओके, हमारे वड़े ऐसे गोल है तो ओके, आप ये मुंबई में मिलता है? हाँ, मुंबई में मिलता है। अगर किसी को मुंबई वाला गोल वाला खाना है बड़ा पाव तो यहाँ आ सकता है, एड्रेस में लास्ट में दे दूंगा। तो आपके ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मैं मुंबई में खाया हूँ बड़ा पाव, गोल रहता है, यहाँ पे गोल है। कितना साल हो गया आपका बिजनेस को? अभी 3 जनवरी को 2 साल हो जाएगा। 3 जनवरी को 2 साल हो जाएगा। हाँ हाँ, ये चना डाल का बेसन रहता है ना? आप पिसाते हो? डायरेक्ट रेडीमेड नहीं है,
इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता होगा। ओके, या पिसाते हो कुछ? सर थोड़ा सोडा जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा। ओके, ये अजवाइन है, अजवाइन पीस के हाथ से डाल रहे हो आप। नमक, अभी इसमें डालोगे आप पानी, आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन है। ऑयल आप एक दो बार यूज करते हो, उसके बाद आई थी एक दो तीन दिन बाकी लोगों का ऑयल तो काला ही रहता है, और हमारा सनफ्लावर ऑयल हर बार यूज करते हम, बाकी बहुत जगह पे देखा है काला ही रहता है ऑयल। क्रूड ऑयल में डायरेक्टली बड़ा टान के खिला देते हैं लोगों को। ये कितना टाइम तक फ्राई होगा? एक 3-4 मिनट। 3-4 बनाते हो शायद कोकल साइड या तो बाहर? और मिर्ची भजी, गोल भजी और कांदा भजी मिलता है। कांदा भजी मिलता है। ओके, तो प्राइस क्या है सबका? वड़ा पाव 20 रुपए, ब्रेड पैटीज और पाव पैटीज 25 रुपए, और मिर्ची भजी, गोल भजी और कांदा भजी 30 रुपए। आपका वड़ा पाव 30 रुपए क्यों है? 20 रुपए है। 20 रुपए क्यों है? 20 रुपए क्योंकि मैं हाइजीन दे रही हूँ, वड़ा पाव का साइज बड़ा है मेरा, मैं तेल अच्छा यूज करती हूँ, सनफ्लावर का यूज करती हूँ। हाँ, सनफ्लावर का, स्टार का यूज करती हूँ, स्टार का यूज करती हूँ। हाँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हाइजीन भी है और वड़ा पाव का साइज भी है बड़ा, वो तेल भी क्वालिटी भी अच्छा यूज कर रही है, बाकी तेल तो अदरवाइज काला ही रहता है हर जगह, तो इसीलिए आपका भी, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मैंने खाया अभी। ओके मैडम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। एड्रेस क्या है? एड्रेस काटेपुरम चौक पिंपल ग्रोव स्टार बाजार के सामने ही है। सामने। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरा शॉप का 4 से 8 बजे तक। चार से आठ बजे तक। ओके।